अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो व्यूअर्स, आई मोहम्मद अब्दुल हबीब वेलकम यू ऑल टू एम्स ट्यूटोरियल फॉर अकाउंट्स। इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट्स चैप्टर 2 अंडर यूनिट 2 फॉर इंटरमीडिएट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स फॉर तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। लेट अस डिस्कस लॉन्ग प्रॉब्लम्स पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 10। अखिल ऑफ हैदराबाद कंसाइंड गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 टू हिज एजेंट अनिल ऑफ कामारेड्डी ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पे सामान कौन भेज रहे? अखिल भेज रहे एंड ही इज फ्रॉम हैदराबाद। किसको भेज रहे? अनिल को भेज रहे एंड ही इज फ्रॉम कामारेड्डी। सो हियर इज द वर्किंग नोट्स। कंसाइनर इज अखिल एंड कंसाइनी इज अनिल। एंड व्हाट इज कंसाइनमेंट? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर द पर्पस ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट। एंड द प्लेस ऑफ कंसाइनमेंट विल बी टेकन एज द प्लेस ऑफ कंसाइनी, दैट इज अनिल। एज ही इज फ्रॉम कामारेड्डी, द प्लेस ऑफ कंसाइनमेंट विल बी टेकन एज कामारेड्डी कंसाइनमेंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कितने का सामान भेज रहे आप? 20,000 का सामान भेज रहे। सो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट विल बी टेकन एज 20,000। नेक्स्ट, अखिल स्पेंड 1,000 rupees फॉर ट्रांसपोर्ट एंड 500 फॉर इंश्योरेंस। सो यहाँ पे कंसाइनर एक्सपेंसेस क्या बताएंगे आप? 1,000 प्लस 500 इट विल बी शोन एज 1,500। सो 1,000 प्लस 500 इट विल बी 1,500। नेक्स्ट, अनिल सेंट 5,000 एज एडवांस। तो यहाँ पे कंसाइनी क्या कर रहे? कंसाइनर को एडवांस दे रहे। सो हियर इट विल बी शोन एज एडवांस 5,000 rupees। आफ्टर 2 months अखिल रिसीव द अकाउंट सेल्स एज फॉलोज। अकाउंट का मतलब हिसाब, सेल्स का मतलब बेचना, अकाउंट सेल्स का मतलब बेचे। सो हिसाब भेज रहे। क्या भेज रहे? हाफ ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 24,000 ऑफ विच 4,000 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जो सामान भेजे उसमें से आधा सामान बेच रहे। आधा सामान बेच रहे का मतलब बाकी का आधा सामान बचा हुआ है, विच इज अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज हाफ ऑफ द गुड्स आर अनसोल्ड। तो वो आधा सामान कितने में बेच रहे? 24,000 में बेच रहे। सो सेल्स विल बी टेकन एज 24,000 ऑफ विच 4,000 आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधारी में बेच रहे। सो द कंसाइनी हैज सोल्ड द गुड्स ऑन कैश बेसिस एज वेल एज ऑन क्रेडिट बेसिस। सो टोटल सेल्स आर 24,000 फ्रॉम विच 20,000 हैज बीन रिसीव्ड ऑन कैश बेसिस एंड 4,000 वर्थ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। सो एज द गुड्स आर बींग सोल्ड ऑन क्रेडिट हियर द कंसाइनी विल गेट एक्स्ट्रा कमीशन इन एडिशन टू हिज नॉर्मल कमीशन विच इज टर्म्ड हियर एज डेलिगेटरी कमीशन। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, ऑर्डिनरी कमीशन 8% एंड डेलिगेटरी कमीशन 2% ऑन सेल्स इज गिवन। सो व्हेन कंसाइनी सेल्स द गुड्स ऑन क्रेडिट एंड ही इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स, देन ही शुड बी गिवन सम एक्स्ट्रा कमीशन इन एडिशन टू हिज ऑर्डिनरी कमीशन विच इज टर्म्ड एज डेलिगेटरी कमीशन। जब कंसाइनी किसी को उधारी में सामान बेचते, देन द कंसाइनी इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर्स। सो जो उधारी में बेच रहे वो कस्टमर से पैसा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी कंसाइनी की है, उसके लिए हम कंसाइनी को ऑर्डिनरी कमीशन जो देते उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो कमीशन देंगे, उससे उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कमीशन देंगे हम उसको डेलिगेटरी कमीशन बोलेंगे। सो यहाँ पे टोटल सेल्स 24,000 है जिसमें 4,000 उधारी में बेचे सो है। सो फॉर गुड्स बींग सोल्ड ऑन क्रेडिट ही इज रिसीविंग एन एक्स्ट्रा कमीशन विच इज कॉल्ड एज डेलिगेटरी कमीशन। इफ एनी कस्टमर डिफॉल्ट्स द पेमेंट, अगर कोई कस्टमर ये जो 4,000 में कोई अगर डिफॉल्ट कर रहे, देन द कंसाइनी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अमाउंट बिकॉज ही इज रिसीविंग डेलिगेटरी कमीशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, देखिए, बैड डेट्स अमाउंटेड टू 400 rupees। मतलब ये जो 4,000 का सामान आप उधारी में बेचे इसमें से किसी कस्टमर के पास से 400 rupees रिकवर नहीं हो रहे, देन द कंसाइनी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे दिस अमाउंट टू कंसाइनर एज ही इज रिसीविंग डेलिगेटरी कमीशन। सो हियर इज द वर्किंग नोट्स। कंसाइनर इज अखिल, कंसाइनी इज अनिल, कंसाइनमेंट इज कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज 20,000, कंसाइनर एक्सपेंसेस इज 1,500, कंसाइनी एक्सपेंसेस क्या दिया हुआ है? सेलिंग एक्सपेंसेस आर गिवन एज 1,200, सो कंसाइनी एक्सपेंसेस विल बी टेकन एज 1,200, सेल्स की वैल्यू दिया हुआ है 24,000 ऑफ विच 4,000 आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, सो टोटल सेल्स विल बी टेकन एज 24,000। अब यहाँ पे जो सेल्स है इस पे देखिए कमीशन मिलना है, ऑर्डिनरी कमीशन इज गिवन एज 8%, डेलिगेटरी कमीशन इज 2%, मतलब टोटल जो कमीशन देंगे आप 10% देंगे। सो रिमेंबर दैट व्हेन कंसाइनी सेल्स द गुड्स ऑन क्रेडिट ही इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल फ्रॉम द कस्टमर्स, सो ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स फॉर विच ही विल बी पेड एक्स्ट्रा कमीशन विच इज कॉल्ड एज डेलिगेटरी कमीशन। अगर कंसाइनी सामान उधारी में बेच रहे तब ये कंसाइनी की जिम्मेदारी रहेगी कि कस्टमर्स के पास से पैसा वसूल करना है, और अगर कोई कस्टमर डिफॉल्ट कर रहे पेमेंट में, दैट अमाउंट शुड बी adjusted from consignee from his own sources and should be paid to consigner, जिसको हम delegatory commission बोलेंगे। तो बंदा consignee अपने लिए काम कर रहा है उसके लिए हम commission दे रहे हैं जिसको हम ordinary commission बोलेंगे। यहाँ credit पे बेच के वो बंदा अपने लिए extra काम कर रहा, मतलब customers के पीछे पीछे पड़ के वो पैसा वसूल करना, ये consignee के लिए extra काम हो जाता,
जिसके लिए हम कंसाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं जो डेल क्रेडिट कमीशन है. सो द टोटल कमीशन विच इज टू बी पेड बाई कंसाइनर टू कंसाइनी इज 10% विच इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स 24,000 इंटू 10/100 0000 गेट्स कैंसल 2400 इंटू 1 2400 डिवाइडेड बाई 1 अगेन इट विल बी 2400. तो 10% निकालने का आसान तरीका क्या है, जितने जीरोज है एक जीरो कम कर दीजिए. नेक्स्ट बैड डेट्स अमाउंटेड टू 400 मतलब एक कस्टमर है जो 400 रुपये नहीं दे रहा. देन इट इज अ लॉस टू द कंसाइनी एंड नॉट अ लॉस टू द कंसाइनर बिकॉज कंसाइनी इज रिसीविंग डेल क्रेडिट कमीशन फ्रॉम कंसाइनर. तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अनसोल्ड स्टॉक? अनसोल्ड स्टॉक इक्वल्स टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी इंटू अनसोल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने का सामान भेजे थे आप? 20,000. इट विल बी टेकन एज 20,000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस कितना है? 1,500 प्लस कंसाइनी एक्सपेंसेस कितना है? 1,200. बट नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू कंसाइनी एक्सपेंसेस. सो वी कैनॉट मेक ए कंक्लूजन वेदर इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर और इट इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर. हेंस इट इज टेकन एज जीरो. सो कंसाइनी के एक्सपेंसेस 1200 दिया हुआ है बट कहाँ खर्च करे दिया हुआ नहीं है. सो हम ये तय नहीं कर सकते कि वो रिकरिंग एक्सपेंसेस है या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है. सो द कंसाइनी एक्सपेंसेस आर टेकन एज जीरो इंटू अनसोल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी. मतलब जो सामान भेजे आप उसमें से आधा सामान बेच रहे तो बाकी का आधा सामान बचा हुआ है. सो इंटू अनसोल्ड 1/2 मतलब दो हिस्से अगर भेजे उसमें से आधा एक हिस्सा बिक गया एक हिस्सा बच गया. सो हाफ विल बी रिकॉर्डेड एज 1/2. सो द कैलकुलेशन विल बी 20,000 प्लस 1,500 21,500 प्लस जीरो अगेन इट विल बी 21,500 इंटू 1/2. सो हाफ ऑफ 21,500 इज हाफ ऑफ 20,000 इज 10,000 हाफ ऑफ 1,500 इज 750. सो द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज 10,750. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर गिव लेजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज. बोथ दी पार्टीज मतलब कंसाइनर अखिल एंड कंसाइनी अनिल. सो फर्स्ट विल बी प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ कंसाइनर दैट इज अखिल. सो द हेडिंग विल बी लेजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड द अकाउंट विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट. एज द कंसाइनमेंट इज फ्रॉम कामारेड्डी तो अकाउंट नेम विल बी टेकन एज कामारेड्डी कंसाइनमेंट एंड द फॉर्मेट विल बी डेट पर्टिकुलर्स जेएफ जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज. डेट पर्टिकुलर्स जेएफ जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज. टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट विल बी राइटिंग डीआर डेबिट. टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट विल बी राइटिंग सीआर क्रेडिट. सबसे पहले हम सामान भेज रहे कितने का सामान भेज रहे 20,000 का सामान भेज रहे विच विल बी रिकॉर्डेड हियर एज टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 20,000. अब इसके बाद कंसाइनर एक्सपेंसेस कितना पे कर रहे 1,500 पे कर रहे. कंसाइनर के बुक्स है और कंसाइनर की जेब से पैसा जा रहा है हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट्स में लिखेंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस 1,500. फिर उसके बाद कंसाइनी कितना पे कर रहे 1,200 पे कर रहे. सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू अनिल अकाउंट ब्रैकेट्स में लिखेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस 1,200. फिर अनिल क्या कर रहे आधा सामान 24,000 में बेच रहे जिसमें से 4,000 उधारी में बेचे सो है. सो टोटल सेल्स विल बी टेकन एज 24,000 विच विल बी रिकॉर्डेड एज बाई अनिल अकाउंट ब्रैकेट्स में लिखेंगे सेल्स 24,000. अब ये बेचे सो पैसों पे अनिल को क्या मिलना है कमीशन मिलना है 8% ऑर्डिनरी कमीशन दे रहे हम 2% क्रेडिट पे बेचने के लिए एक्स्ट्रा डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे. सो कमीशन इज कैलकुलेटेड एज 10% ऑन सेल्स दैट इज 24,000 इंटू 10/100 विच वॉज 2,400 विच विल बी शोन हियर एज टू अनिल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन 2,400. अब जो आधा सामान बिक गया वो 24,000 में बिक गया. अब जो आधा सामान बचा हुआ है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे अनसोल्ड स्टॉक जिसका आंसर आया था जिसकी वैल्यू आई थी 10,750. दिस विल बी शोन एज बाई कंसाइनमेंट स्टॉक 10,750. नाउ वील बी बैलेंसिंग कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट. हाउ डू वी बैलेंस इट? विल बी डूइंग द टोटल ऑन डेबिट साइड एज वेल एज विल बी डूइंग द टोटल ऑन क्रेडिट साइड. द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट इज 24,000 प्लस 10,000 34,000 प्लस 750 34,750. वेर एज द टोटल ऑन डेबिट साइड इज 20,000 प्लस 121 प्लस 122 प्लस 2 24,900 25,100. सो द टोटल ऑन डेबिट साइड इज 25,100 वेर एज द टोटल ऑन क्रेडिट साइड इज 34,750. सब्ट्रैक्टिंग 25,100 फ्रॉम 34,750 सब्ट्रैक्टिंग 100 फ्रॉम 750 विल बी लेफ्ट आउट विथ 650 सब्ट्रैक्टिंग 25 फ्रॉम 34 विल बी लेफ्ट आउट विथ 9,000. सो द प्रॉफिट इज 9,650 विच इज रिकॉर्डेड हियर एज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट्स में लिखेंगे प्रॉफिट. ये 25,100 को आप 34,750 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे तो 9,650 का प्रॉफिट हो रहा विच इज रिकॉर्डेड हियर एज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट्स में लिखेंगे प्रॉफिट. आफ्टर कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी प्रिपेयरिंग कंसाइनी अकाउंट. ये प्रॉब्लम में कंसाइनी कौन है अनिल है. सो द सेकंड अकाउंट दैट विल बी प्रिपेयरिंग विल बी ऑफ अनिल अकाउंट एंड द फॉर्मेट फॉर अनिल अकाउंट विल बी द सेम डेट पर्टिकुलर जीएफ जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज. डेट पर्टिकुलर जीएफ जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज. अनिल अकाउंट बनाने का तरीका क्या है कामारेड्डी कंसाइनमेंट में जितने बार अनिल का नाम लिखे अनिल के अकाउंट में उतने बार कामारेड्डी कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे. सबसे पहले हम एडवांस लिखेंगे. ये प्रॉब्लम में इट इज गिवन एज अनिल सेंट रुपीज 5,000 एज एडवांस.
एडवांस देने के दो तरीके हैं, एक कंसाइनी विल एक्सेप्ट ए बिल फॉर एडवांस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स और फॉर आफ्टर 3 मंथ्स, अदरवाइज ही विल बी पेइंग द अमाउंट इमीडिएटली। तो ये प्रॉब्लम में ही इज सेंडिंग एन एडवांस ऑफ ₹5,000, इसका मतलब कंसाइनी एडवांस इमीडिएट पे कर दे रहे, हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड हियर एज बाई बैंक अकाउंट। इफ द कंसाइनी वुड हैव एक्सेप्टेड ए बिल हियर वी वुड हैव रिकॉर्डेड इट एज बाई बिल्स रिसीवेबल। एडवांस देने के दो तरीके हैं, कंसाइनी या तो पैसे दे देते जिसको हम यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट 5,000 बोल के लिखे, या तो कंसाइनी बिल एक्सेप्ट करते, तब हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज बाई बैंक वी विल बी राइटिंग इट एज बाई बिल्स रिसीवेबल। अब ये प्रॉब्लम है क्योंकि एडवांस 5,000 दे दे रहे, इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाई बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज। आफ्टर दिस, इसके बाद का तरीका क्या है, कामारेड्डी कंसाइनमेंट में जितने बार अनिल का नाम लिखे अनिल के अकाउंट में उतने बार कामारेड्डी कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे। तो कामारेड्डी कंसाइनमेंट में हम अनिल का नाम 3 बार लिखे, टू अनिल कंसाइनी एक्सपेंसेस 1200, दिस इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, सो दिस विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज बाई कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट 1200। इसके बाद हम अनिल का नाम क्रेडिट में लिखे थे बाई अनिल 24,000 सेल्स, तो कामारेड्डी कंसाइनमेंट के क्रेडिट में अनिल का नाम लिखे, तो अनिल के डेबिट में कामारेड्डी कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे, टू कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट 24,000। इसके बाद कामारेड्डी कंसाइनमेंट के अकाउंट के डेबिट में हम अनिल का नाम कमीशन 2400 लिखे थे, कामारेड्डी कंसाइनमेंट में अनिल का नाम लिखे, अनिल के अकाउंट में कामारेड्डी कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे, इस तरफ डेबिट में लिखा हुआ है, इस तरफ क्रेडिट में लिखेंगे, बाई कामारेड्डी कंसाइनमेंट अकाउंट 2400। नाउ द कंसाइनी अनिल विल बी रेमिटिंग द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स टू कंसाइनर, तो यहाँ पे कंसाइनर अखिल को ये पैसा भेज देंगे 24,000। तो ये बंदा 24,000 भेजने से पहले क्या करेगा, अब तक कंसाइनी क्या डिडक्ट कर रहे थे, अपने एक्सपेंसेस और अपना कमीशन डिडक्ट कर रहे थे, बट दिस टाइम एज द कंसाइनी हैज ऑल्सो पेड एडवांस, सो द कंसाइनी विल बी डिडक्टिंग हिज एडवांस हिज एक्सपेंसेस एंड हिज कमीशन फ्रॉम द सेल्स अमाउंट। तो ये 24,000 में से 5,000 एडवांस डिडक्ट करेंगे, 1,200 रुपये अपना खर्चा डिडक्ट करेंगे, 2,400 रुपये अपना कमीशन डिडक्ट करेंगे, बचे सौ पैसे 15,400 रुपये कंसाइनी कंसाइनर को भेज देंगे। बट इन दिस प्रॉब्लम नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड वेदर द कंसाइनी हैज रेमिटेड द अमाउंट टू कंसाइनर और नॉट। जैसे कि गुज़िश्ता प्रॉब्लम्स में, इन अवर प्रीवियस प्रॉब्लम्स, इट यूज टू इट वॉज स्पेसिफाइड एज द कंसाइनी हैज सेटल्ड हिज अकाउंट बाई बैंक ड्राफ्ट, और द कंसाइनी हैज सेंट ए चेक फॉर द बैलेंस, और द कंसाइनी हैज सेटल्ड द अकाउंट, बट ये प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा। इट मीन्स दैट स्टिल द अमाउंट ऑफ 15,400 इज विथ कंसाइनी ओनली। तो अब इसको हम हमेशा यहाँ पे बाई बैंक लिखते थे इफ द अकाउंट हैज बीन सेटल्ड, बट इन दिस प्रॉब्लम एज द अकाउंट हैज नॉट बीन सेटल्ड बाई द कंसाइनी, hence it will be recorded as by balance carried on 15,400, the same will be recorded on opposite side as to balance brought on 15,400, and the total on both the sides of the account is 24,000. After consignee account will be preparing goods sent on consignment account, for which the format is date particulars JF general folio amount rupees, date particulars JF general folio amount rupees, towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and the name of the account is goods sent on consignment account. ये अकाउंट बनाने का तरीका क्या है, कामारेड्डी कंसाइनमेंट में गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का नाम डेबिट में लिखे थे, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के अकाउंट में कामारेड्डी कंसाइनमेंट का नाम क्रेडिट में लिखेंगे, हियर इट इज रिकॉर्डेड एज टू जीएससी 20,000, हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाई कामारेड्डी कंसाइनमेंट 20,000, एंड द सेम विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एज टू ट्रेडिंग अकाउंट 20,000, एंड द टोटल ऑन बोथ द साइड्स विल बी 20,000 ऑन डेबिट साइड 20,000 ऑन क्रेडिट साइड। नाउ आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ कंसाइनर, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ कंसाइनी, हु इज कंसाइनी अनिल, सो नाउ द हेडिंग विल बी लेजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ अनिल, एंड इन बुक्स ऑफ अनिल विल बी प्रिपेयरिंग कंसाइनर अकाउंट दैट इज अखिल अकाउंट, द फॉर्मेट फॉर विच विल बी डेट पर्टिकुलर जी एफ जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर जी एफ जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज, टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट विल बी राइटिंग डी आर डेबिट, टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट विल बी राइटिंग सी आर क्रेडिट, एंड द नेम ऑफ द अकाउंट इज अखिल अकाउंट। तो अखिल क्या करे थे कंसाइनर को सबसे, अनिल क्या करे थे, अखिल कंसाइनर को सबसे पहले 5,000 रुपये एडवांस दिए थे, जो हम इस तरफ बाई बैंक अकाउंट लिखे तो इस तरफ टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसाइनर को कंसाइनी से पैसे आ रहे तो बाई बैंक लिखे, इस बार कंसाइनी के पास से कंसाइनर को पैसा जा रहा, सो दैट विल बी शोन एज टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज। इसके बाद कंसाइनी 1,200 रुपये एक्सपेंसेस के लिए पे कर रहे, अगेन इट विल बी शोन एज टू बैंक अकाउंट 1,200। फिर कंसाइनी आधा सामान बेच रहे 24,000 में बेच रहे, दैट विल बी शोन एज बाई बैंक अकाउंट 24,000। फिर 24,000 पे 8% ऑर्डिनरी कमीशन, 2% डेलक्रेडरी कमीशन जो क्रेडिट पे बेचने के लिए मिल रहा, सो 10% ऑफ 24,000 विल बी 2,400 विच विल बी रिकॉर्डेड हियर एज टू कमीशन अकाउंट। अब फिर से कंसाइनी के पास सेल्स के कितने पैसे रखे हुए हैं, 24,000 रखे हुए हैं, इसमें से कंसाइनी क्या करेंगे, जो 5,000 एडवांस दिए थे वो डिडक्ट करेंगे, जो 1,200 रुपये खर्च करे कंसाइनी एक्सपेंसेस वो डिडक्ट करेंगे, तो 2,400 कंसाइनी को कमीशन, 8% ऑर्डिनरी कमीशन, 2% डेलक्रेडरी कमीशन आना है, वो 2,400 डिडक्ट करके 15,400 भेज देंगे। बट एज द क्वेश्चन हैज नॉट स्पेसिफाइड विद रिगार्ड्स टू फाइनल सेटलमेंट, इट विल बी रिकॉर्डेड हियर एज टू बैलेंस कैरी डाउन,
द सेम विल बी रिकॉर्डेड ईयर एज बाई बैलेंस बॉट ऑन 15,400. अब इस तरफ का टोटल 5 + 1 = 6, 6 + 2 = 8, 8,600 आ रहा, इस तरफ का टोटल 24,000 आ रहा. सो दोनों तरफ 24,000 लिख देंगे आप. 24 में से 8,600 सब्ट्रैक्ट करें तो 15,400 बच रहे, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट कंसाइन ही अभी नहीं करे. दिस विल बी शोन एज टू बैलेंस कैरिड ऑन 15,400. द सेम विल बी रिकॉर्डेड ऑन अपोजिट साइड एज बाई बैलेंस बॉट ऑन 15,400. सो दीज आर द लेजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड इन बुक्स ऑफ कंसाइनी. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.